Good morning, class. Good morning, sir. How are you all? I'm also fine. Thanks for asking. Sit down, please. So, guys, in last class, we have studied about past perfect tense and double clause. ठीक आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन डबल क्लॉज. देखिए फर्स्ट क्लॉज में हम पहले ही पढ़ चुके हैं जिसकी पहचान हुआ करती थी चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे चुकेगा चुकेगी चुकेंगे आदि चीज़ें आती थी. ठीक अगर मैं इसके स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एक सेंटेंस लेके बताऊं सीता खाना पका चुकी होगी तो क्या हो जाएगा सीता विल हैव कुक्ड द फूड. ऑलराइट आज इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल क्लॉज में. आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इस टेस्ट में भी समानता इस टेस्ट में भी इसलिए लिखा होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट में भी डबल क्लॉज आते थे और फ्यूचर परफेक्ट में भी डबल क्लॉज आते हैं. करें कि इस टेस्ट में भी समानता दो क्लॉज होते हैं. फर्स्ट क्लॉज हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा और जो हमारा सेकंड क्लॉज होगा वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में होगा. इसके भी वाक्य के अंत में आएगा चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे चुकेगा चुकेगी चुकेंगे. ठीक है और इस टेंस को भी हम लोग दो कंडीशन में फाइनल करने वाले हैं. जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो ये है इसमें सबसे पहले हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाएंगे. सेकंड थिंग इज दैट अगर आप हिंदी का सेंटेंस क्रिएट कर रहे हो तो ध्यान रखना होगा सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो इसका संयोजक यूज होगा वो पहले या फिर पूर्व का यूज किया जाएगा. आप यहां पे देखिए मैंने दो एग्जांपल ले रखे हैं. ट्रेन छूटने से पूर्व वे यात्री स्टेशन पहुंच चुके होंगे. सेकंड एग्जांपल मैंने लिया सूरज निकलने से पूर्व कृषक खेत में पहुंच चुका होगा. आप स्ट्रक्चर देखिए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फ्यूचर परफेक्ट. ओके फिर उसके बाद में सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन यूज किया है यहां पर बिफोर का यूज किया क्योंकि यहां पे पहले आया हुआ है बिफोर देन प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें एस या ई एस ऐड करते हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो एस या ई एस लगाते हैं प्लूरल में एस या ई एस बिल्कुल नहीं लगाते हैं. चलिए सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं. पहला सेंटेंस था ट्रेन छूटने से पूर्व वे यात्री स्टेशन पहुंच चुके होंगे तो दोस पैसेंजर्स विल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स. सेकंड सेंटेंस था हमारे पास सूरज निकलने से पूर्व वे कृषक खेत में पहुंच चुका या सॉरी कृषक खेत में पहुंच चुका होगा तो द फार्मर विल हैव रीच्ड द फील्ड बिफोर द सन राइजेस. ओके अगर हम बात करें सेकंड कंडीशन की तो ध्यान रखिएगा इसमें सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट का और यहां पे सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो संयोजक का प्रयोग करेंगे वो होगा बाद. सेंटेंस देखिए राम के आने के बाद सीता खाना पका चुकी होगी. सेकंड सूरज डूबने के बाद कृषक घर पहुंच चुका होगा. यहां पे स्ट्रक्चर देखिए सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस सी आई एस एस सी आई एस विद सिंगुलर प्लूरल में नो एस या नो ई एस. ऑलराइट उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर यहां पे जो कंजंक्शन का यूज होगा वो होगी आफ्टर देन सब्जेक्ट विल हैव थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एक चीज थी अच्छे से ख्याल रखना होगा जो सेकंड क्लॉज होगा उसको पहले ट्रांसलेट करेंगे और जो फर्स्ट क्लॉज होगा उसको बाद में ट्रांसलेट करेंगे. वो कंडीशन फर्स्ट में भी सेम टू सेम था. यहां पे देखिए लिखा हुआ था वे यात्री स्टेशन पहुंच चुके होंगे तो मैंने पहले इसको ट्रांसलेट किया था. ओके वैसे सेकंड कंडीशन में आएंगे तो लिखा हुआ है सीता खाना पका चुकी होगी तो सीता कुक्स द फूड आफ्टर राम विल हैव कम टू होम. यहां पे देखिए सूरज डूबने के बाद कृषक घर में पहुंच चुका होगा तो कृषक द फार्मर रीचेस द हाउस आफ्टर द सन विल हैव सेट. एनी डाउट? वेरी गुड. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन और यू कैन कॉल मी यू कैन व्हाट्सएप मी आई विल टेल यू इन अ क्लियर वे. ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस. So today time has been over, my dear friends. We'll meet in the next class. Till then, thank you. Bye-bye and wish you all the best.